हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पे बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। दोस्तों, अगर आपका भी पार्टनर आपको इग्नोर करता है या इग्नोर करती है और आप जेन्युइनली चाहते हो कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिले, तो मेरे वीडियो को अच्छे से समझो। स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, उसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, तभी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इरिटेट मत करो पार्टनर को, क्योंकि आप क्या करते हो ना, इतना सारा कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस करते हो कि वो जो इंसान है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा आपसे इरिटेट हो जाता है। तो आपको उसको कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेजेस नहीं करनी है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को। ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से कि हम जब किसी इंसान के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं ना, तो उस इंसान के ना हमको कमियाँ नज़र आती है सिर्फ, लेकिन जब हम उसी इंसान से दूरियाँ बनाने लगते हैं तो उस इंसान की हमको खूबियाँ नज़र आती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। पहले क्या था, पहले आप एकदम बैलेंस वे में पार्टनर के साथ पेश आते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अभी इतना ज़्यादा आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो, उसको कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, तो उसको ना इस चीज़ की कदर नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ की कदर उसको तभी होगी ना जब आप उसको एकदम कॉल मैसेज करना बंद कर दोगे। तो उसको फर्स्ट जो पॉइंट है कि कॉल मैसेज करना बंद कर दो, एकदम उसको इरिटेट मत करो। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि उसको इरिटेट मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि थोड़ा सा आपको उससे स्पेस बढ़ाना होगा। अब स्पेस बढ़ाना होगा, ये सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हो कि स्पेस अगर देंगे पार्टनर को वो हमको छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेस दोगे तभी आपका जो कमी है या फिर आपकी जो कमी है उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे दूरियाँ बनाओ, जितना आप उससे दूरियाँ बनाओगे ना उतना ही वो इंसान आपके पीछे आएगा। और ये साइकोलॉजी कहती है, मैं खुद नहीं कह रही हूँ। ठीक है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना दोस्तों, जो वो ऐसे ही वॉक करती है। तो आपको उससे दूरी बनानी है, जितना हो सके आप उससे दूरी बनाते रहो। ठीक है, दूरी बना के रखोगे तभी उसको आपकी जो कमी है वो महसूस होगी, तभी उसको आपकी जो इम्पॉर्टेंस है वो समझ में आएगी। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है वो है कि ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम ऐसे करने लगते हैं ना, जैसे कि हम इग्नोर के जवाब में हम ऐसे जो भी स्टेप हम फॉलो करते हैं, लेकिन सडनली अगर वो जो इंसान है उसका कॉल आता है पार्टनर का या फिर मैसेजेस आता है ना, तो हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना एकदम, और फिर हम रिप्लाई करने लगते हैं और फिर से हम अपना पूरा जो हम इतने दिनों से जो मेंटेन कर रहे थे चीज़ों को, वो ख़राब कर देते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस देके ही पार्टनर के साथ बिहेव रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम आप खुश हो जाओ कि अरे ये तो मुझे कॉल करने लगा, मैसेजेस करने लगा या फिर मुझे तो भाव देने लगी, तो हम एकदम खुश हो गए और उसके पीछे फिर से हम दीवाने की तरह भागने लगे। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है, यही पे आप सब गलती करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल खुशी में अपना दीवानापन जो है उसको मत दिखाओ, एकदम पागल होके फिर पार्टनर के पीछे भागना मत स्टार्ट कर देना। थोड़ा सा दूरी बना के रखना, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना भी इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा अगर आप मेंटेन रखोगे तो पार्टनर कभी आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।